नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक विश्व भारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल विश्व भारती के रेक्टर भी है। दीक्षांत समारोह सुबह 9:30 बजे शांति निकेतन परिसर के आम्र कुंज में शुरू हुआ। संबोधन में पीएम ने कहा कि इस दीक्षांत समारोह में भाग लेना प्रेरणादायक और आनंदमय है। अच्छा होता अगर मैं व्यक्तिगत रूप से समारोह में हिस्सा लेने के लिए आता, लेकिन नए नियमों के कारण मैं इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग ले रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। इसी सोच के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ज्ञान में हमेशा ही सुधार की गुंजाइश रहती है। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता में रहते हुए संवेदनशील रहना जरूरी होता है। ऐसे में हर विद्वान को जिम्मेदार होना पड़ता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सफलता और असफलता हमारा भविष्य तय नहीं करती। फैसले लेने में अगर कोई डर लगने लगे तो हमारे लिए संकट है। अगर फैसला लेने की हिम्मत चली गई तो समझ लीजिए कि आप युवा नहीं है। पीएम मोदी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्रों से अपील करते हुए कहा कि वो सभी अगले 25 सालों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए जिनमें अपने लक्ष्यों को तय करें। पीएम ने कहा कि आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई अच्छी शिक्षा हासिल किए हुए हैं, अच्छे स्किल्ड वाले लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात प्रयोगशालाओं में जुटे हुए हैं। ये सिर्फ विचारधारा का प्रश्न नहीं है, बल्कि माइंडसेट का भी विषय है। आप क्या करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।